एंड्रॉयड के लेक्चर सीरीज में आज ही हमारा यूआई कंपोनेंट्स के बारे में लेक्चर है। कैसे हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ऐप के करस्पॉन्डिंग इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट उसमें यूज़ की जाते हैं और उनके लेआउट्स कैसे हो सकते हैं, उनका व्यू कैसा हो सकता है और किस डिज़ाइन से आप उन्हें बना सकते हैं, उसके बारे में ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूआई कंपोनेंट्स के बारे में। तो यूआई कंपोनेंट्स यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, जो एंड्रॉयड ऐप के लिए लेआउट और विजिट के हायरार्की के रूप में बनाते हैं। ये किस ढंग का लेआउट रहना चाहिए और विजिट में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, और बहुत सारे एंड्रॉयड के प्रीबिल्ट यूआई कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम अपने लेआउट में या यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के लेआउट ऑब्जेक्ट होते हैं, यूआई कंट्रोल्स हमें दिए गए हैं जिनका हम ऐप में यूज़ करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। इसमें कुछ जो आपने PHP में बनाए होंगे, HTML में बनाए होंगे, वो कंट्रोल रहते हैं, लेकिन आप उनकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कौन से थे, आप बटन बनाते थे, टेक्स्ट व्हील बनाते थे, सीक बार बनाते थे, चेक बॉक्स, जूम बटन, इस टाइप के आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए थे और कुछ इस ढंग से वो लुक वाइज दिखते थे कि आपने रेडियो बटन बता दिया, चेक बॉक्स बना दिया, ऑन और ऑफ का बटन बना दिया, टेक्स्ट फील्ड बना दी, बटन बना दिया, इस ढंग से उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता था। आप इसको और तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी सेक्शन में आता है व्यू। व्यू क्या होता है? तो यूज़र इंटरफेस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक व्यू ऑब्जेक्ट है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यूआई कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या व्यू को समझाइए, तो आपको ये वाला सेक्शन लिखना होगा। तो यूज़र इंटरफेस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक व्यू ऑब्जेक्ट है जो व्यू क्लास के द्वारा बनाया जाता है और स्क्रीन पे एक रेक्टेंगुलर एरिया में दिखाई देता है, और ड्राइंग और इवेंट हैंडलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये व्यू विजिट के लिए बेस क्लास है और जिसका उपयोग हम इंटरेक्टिव यूआई कंपोनेंट्स जैसे कि बटन, टेक्स्ट फील आदि बनाने के लिए करते हैं। फिर व्यू को भी कई सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे व्यू ग्रुप जो है व्यू का एक सब क्लास है और इनविजिबल कंटेनर प्रोवाइड करता है। दूसरा है व्यू अदर व्यू ग्रुप को होल्ड करता है, उनका लेआउट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है वो। तो अगर हम यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो यहाँ ये दे रखा है कि एक व्यू एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करता है। बेसिक डेफिनेशन है ये, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ भी ड्रॉ करे और जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके। और एक व्यू तो वो क्या कहलाएगा? व्यू कहलाएगा कि व्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ करे और जिससे यूजर इंटरेक्ट करे, वो व्यू कहलाता है। उसके बाद व्यू ग्रुप एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो यूजर इंटरफेस के लेआउट को परिभाषित करे। व्यू बना लिया, व्यू का कुछ आपने डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को डिफाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है दैट इज़ ए व्यू ग्रुप। कि व्यू ग्रुप एक ऑब्जेक्ट है जो यूज़र इंटरफेस के लेआउट को परिभाषित करने के लिए अदर व्यू ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो ये व्यू ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो इस ढंग से हम इसे हर के रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले व्यू ग्रुप आए, व्यू ग्रुप में हमने व्यू ग्रुप भी बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, फर्दर व्यू में व्यू ग्रुप बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, आप किसी भी ढंग से इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसको हमने ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यहाँ दिखा रखा है। तो एंड्रॉयड व्यू ग्रुप और व्यू क्लास के लिए XML लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं और इनको ज़्यादातर UI की XML फाइलों में डिफाइन किया गया है। और अगर हम इस डायग्राम को देखें
तो थर्ड लेवल में हमारे पास बहुत सारे लेआउट्स, व्यू क्लास ग्रुप के क्लास के सब क्लासेस हैं, और एक टिपिकल लेआउट एक एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस के लिए विजुअल स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट को उपयोग करके रन टाइम पर बनाया जा सकता है या अपना लेआउट एक्सएमएल फाइल मेन लेआउट डॉट एक्सएमएल में डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टरीज के फोल्डर्स होते हैं RES/layout फोल्डर में रहते हैं। तो इनको डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम डिक्लेयर UI एलिमेंट को XML में कर दें, या इनिशिएट लेआउट एलिमेंट एट रन टाइम करें। तो दो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इनको डिक्लेयर करने के लिए लेआउट को। तो एंड्रॉयड में XML और वर्लीज होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, और जिसके द्वारा व्यू क्लासेस और सब क्लास विजिट और लेआउट को डिज़ाइन किया जा सकता है। और इनिशिएट लेआउट एलिमेंट एट रन टाइम आप व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग के द्वारा भी आप, या इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है उसमें हमें दे रखा है उनका हम यूज़ करना है, तो इस ढंग से प्रोग्रामिंग करते हैं। ये उसका सिंटेक्स है जिसमें XML लिखेंगे, XML का वर्जन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एनकोडिंग यूज़ कर रहे हो वो, और लास्ट में XML को आप क्लोज कर दोगे। यहाँ पे हम छोटा सा दिखा रखा है, और उसके बाद क्या करना है आपको, लीनियर लेआउट अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो लीनियर लेआउट XML NS एंड्रॉयड HTTP जो भी आप साइट यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखेंगे HTTP स्कीमास डॉट एंड्रॉयड डॉट कॉम APK REC और एंड्रॉयड। फिर एंड्रॉयड लेआउट विथ आप डिफाइन करोगे, हाइट डिफाइन करोगे, और ओरिएंटेशन क्या आप हॉरिजॉन्टली देना चाहते हो, वर्टिकली देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करोगे। वहाँ से हमें एक लीनियर लेआउट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसके अंदर आप कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट व्यू में एंड्रॉयड ID @+ID/text लिखा, एंड्रॉयड लेआउट विथ रैप अंडर कंटेंट, एंड्रॉयड लेआउट हाइट रैप एंड स्टोर कंटेंट, ये जंग से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। फिर उसके बाद एंड्रॉयड टेक्स्ट में आप जो भी डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते थे हमने एक टेक्स्ट बना दिया। उसके बाद अगर आप बटन बनाना चाहते हो तो आप बटन भी बना सकते हो उसके अंदर, तो एक टेक्स्ट बन गया, एक बटन बन गया। तो बटन के लिए एंड्रॉयड ID @+ID और बटन नाम से हमने एक ID बनाई, और लेआउट विथ और लेआउट हाइट आपको डिफाइन करनी है, रैप कंटेंट और फिर वही रैप कंटेंट, टेक्स्ट में जो भी आप लिखना चाहते हो, जो डिस्प्ले कराना चाहते हो बटन पे वो रहेगा। इस ढंग से लीनियर लेआउट को आप क्लोज कर दोगे, ये XML की फाइल बन गई। फिर आता है एंड्रॉयड के लेआउट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जब भी तुमने ये लेआउट्स बनाया है उसके टाइप्स कौन कौन से, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड्रॉयड में कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं। तो यहाँ पर पहला है लीनियर लेआउट होता है, फिर रिलेटिव लेआउट होता है, और टेबल लेआउट होता है, एब्सोल्यूट लेआउट, फ्रेम लेआउट और लिस्ट व्यू, ग्रेड व्यू, इतने ही लेआउट होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें काउंटिंग के हिसाब से, ये टोटल लेआउट हुए, लेआउट पहला हुआ लीनियर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेआउट होते हैं टोटल यहाँ पर। तो देखते हैं लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है जो सभी चिल्ड्रन को एक ही डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रूप से अलाइन करता है। जो भी आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं उनको या तो सभी को वर्टिकली रिप्रेजेंट करेगा या सबको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम कहते हैं लीनियर लेआउट, जितने भी आप कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर रिलेटिव लेआउट, तो रिलेटिव लेआउट एक ऐसा व्यू ग्रुप है जिसमें रिलेटिव पोजीशन में चाइल्ड व्यू को डिस्प्ले कराया जाता है, जैसे पहला उसी के हम रिलेशन में हम दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रिलेटिव व्यूज होता है, लेआउट होता है। फिर उसके बाद टेबल लेआउट आएगा, टेबल लेआउट में नॉर्मल सी बात है रो और कॉलम में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं,
फिर एब्सोल्यूट लेआउट में चिल्ड्रन की एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो एब्सोल्यूट लेआउट होगा। फ्रेम लेआउट में स्क्रीन पे प्लेस होल्डर है जिसे आप सिंगल व्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में ये हॉरिजॉन्टली लिस्ट होंगे और जिनको हम आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं, इस ढंग से ये रिप्रेजेंटेशन रहता है लिस्ट व्यू में। और ग्रिड व्यू में रेक्टेंगुलर, बहुत सारे रेक्टेंगल बने हुए होंगे इस ढंग से, और इनको ये टू डायमेंशनल है और इनको भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये सारे जो थे वो लेआउट्स थे। फिर आते हैं एंड्रॉयड के यूआई कंपोनेंट्स, यानी कि हमने अभी जो कंपोनेंट्स देखे तो वहाँ पर हमने दो पार्ट्स में देखा, एक तो व्यू में लेआउट्स को डिफाइन किया, फिर उसके बाद में हमने यूआई कंपोनेंट्स। तो ये भी कंपोनेंट्स आपने ज़्यादातर यूज़ कर रखे हैं, वही कंपोनेंट्स हैं। आप टेक्स्ट व्यू बना सकते हो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, एडिट टेक्स्ट कर सकते हो, प्री डिफाइंड जो सब क्लासेस हैं उनको एडिटिंग कर किया जाता है यहाँ पर। बटन आप बना सकते हो, पुश बटन जो प्रेस या क्लिक इवेंट पर वर्क करता है। चेक बॉक्स आप यूज़ किया जा सकता है, ये ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो बटन का यूज़ किया जाता है, इसकी भी दो स्टेट होती हैं, या तो चेक्ड होगी या अनचेक्ड होगी। प्रोग्रेस बार कि ऑनगोइंग टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जो विजुअल फीडबैक देता है उसका यूज़ किया जाता है। स्पिनर का यूज़ किया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो यूज़र को एक सेट ऑफ वैल्यूज में से सेलेक्ट करने की अनुमति देती है। फिर टाइम पिकर होता है, डिमोट या एएम, एएम या पीएम में, यानी टाइम के रिस्पेक्टिवली आपको समय सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट के लिए, तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स यूआई कंपोनेंट हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें हम बनाते कैसे, क्रिएट कैसे करते हैं यूआई कंपोनेंट्स को। तो इनपुट कंट्रोल आपको ऐप के यूजर इंटरफेस में इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। यूआई कंपोनेंट्स को बनाने के लिए आप क्या करोगे, यूआई कंट्रोल स्लैश व्यू स्लैश विजिट बनाने के लिए आपको लेआउट फाइल में व्यू और विजिट को परिभाषित करना होगा और इसे एक यूनिक आईडी यानी कि नाम देना होगा। तरीका वो ये जो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक्सएमएल फाइल बनाओगे, एक्सएमएल डॉट मैनिफेस्ट फाइल जो बनेगी, और उसी में आप पहले लेआउट बनाओगे, लेआउट के बाद में जो भी आप कंपोनेंट इसमें रखना चाहते हैं उस कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लीनियर लेआउट बनाया है, उसका विड्थ और हाइट फिल करके दिखाया है कि, और ओरिएंटेशन वर्टिकल दिखाया, आप हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हैं। और टेक्स्ट, एक हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसे टेक्स्ट व्यू से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी आईडी डिफाइन करी है और विड्थ और हाइट डिफाइन करी, और टेक्स्ट का जो भी नाम आप डिस्प्ले स्टार्टिंग में देना चाहते हो वाइट डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में हम लीनियर लेआउट को बंद करेंगे। तो इस ढंग से आप लीनियर लेआउट्स बना सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के लिए एक मैसेज दिखाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन क्या होता है, एक टाइप का मैसेज होता है जो आपको डिस्प्ले कराता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है कि एंड्रॉयड आपके ऐप्स यूआई के आउटसाइड डिस्प्ले कराता है ताकि यूज़र को रिमाइंडर या अन्य लोगों से कम्युनिकेशन या आपके ऐप के बारे में अदर इंफॉर्मेशन प्रदान कर सके कि आप ऐप है और उसके रिस्पेक्टिवली कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा या ऊपर के स्टार्टिंग में होगा जब आप देखते हैं सेटिंग वाले सेक्शन के साइड में कि नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो आप अगर अपने ऐप के रिस्पेक्टिवली नोटिफिकेशन भी जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और इसमें भी दो सेक्शन दिखाए गए हैं, एक स्टेटस बार और नोटिफिकेशन ड्रॉअर है जो स्टार्टिंग में दिखाता है यहाँ पर। यह पेज उन सूचनाओं का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है जहाँ सूचनाएँ और फीचर्स दिखाई देते हैं। जब आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो ये पहली बार स्टेटस बार पर आइकन के रूप में दिखाई देता है। तो ये आइकन बन का जाए, जैसे एम और ये मैसेज बॉक्स का आइकन बना है एम के बराबर में जो लेफ्ट साइड में,
जैसे ही आप यूज़र नोटिफिकेशन खोलेंगे तो स्टेटस बार को नीचे स्वैप करना पड़ेगा आपको, और उसमें बहुत सारे एक्शंस दिखाई देते हैं कि हम नहीं किया, तो ये मैसेजेस आ गए और ये जीमेल दो हमारे पास नोटिफिकेशन थे, तो ये दोनों नोटिफिकेशन यहाँ दिखाने लगा। और अगर जब तक आप उस जो इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक ना कर दें या उसको हटा ना दें, तब तक वो नोटिफिकेशन ड्रॉअर में दिखाई देगी। दूसरा हमारे पास है हेड अप नोटिफिकेशन, तो ये बात के एंड्रॉयड 5.0 के बाद सारे उसमें वर्जन्स में आता है। नोटिफिकेशन में एक समराइज व्यू में, मतलब सिंगल लाइन आप ऑफ में मांग सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो दिखाई देगी जिसे आप हेडअप नोटिफिकेशन कहा जाता है। ये बिहेवियर आमतौर पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए ही दिया जाता है, हर किसी के लिए नहीं देते हैं, जिससे कि जो यूज़र है उसे तुरंत आइडेंटिफाई हो जाए और दिख जाए, और जिससे वो डिवाइस अनलॉक करके और उस नोटिफिकेशन को देख सकता है। नेक्स्ट आता है लॉक स्क्रीन, अगर स्क्रीन लॉक है उसके बाद भी नोटिफिकेशन मिलता है, ये भी 5.0 के बाद था। लॉक स्क्रीन पे सूचनाएं दिखाई देती हैं इसमें, तो यूजर लॉक स्क्रीन सूचना को दिखाई देने वाले विस्तार के स्तर को चुनने के लिए अभी सभी लॉक सूचनाओं को सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इस ढंग से ये आ जाएगा कि अगर आपने लॉक भी कर रखा है तब भी वहाँ पर नोटिफिकेशंस आपके आ रहे हैं, तो इस ढंग से आप नोटिफिकेशन। फिर ऐप आइकन बेस में होते हैं, ये इस ढंग से होते हैं कि जो भी आप भेजें उस पर बन के जाते हैं, 2, 3, 4 काउंटिंग आती है, और जैसे आप उसको टच करते हैं वैसे कर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले डिस्प्ले होते हैं। तो ये जो फीचर्स था वो 8.0 के बाद से आया है। ऐप लॉन्चर आइकन होता है इस रंगीन बेस के साथ में, न्यू नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ऐप के लिए सूचनाएँ देखने के लिए ऐप आइकन पर लंबे समय तक आप उसको प्रेस करोगे तब हमें वो दिखाई देगा उपयोगकर्ता, तब उस मेन्यू से सूचनाओं को डिसमिस या एक्शन जो भी आपको परफॉर्म करना है आप वो कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में भी हमारे यहाँ पर ये फिफ्थ टाइप का नोटिफिकेशन वियर ओएस डिवाइस, यदि उपयोगकर्ता के पास वियर ओएस डिवाइस है, कुछ और डिवाइस है जिसके साथ में आप अटैच करा सकते हो, वॉच है या और कोई गैजेट है जो आपके एंड्रॉयड से कंट्रोल या कम्युनिकेशन करता है, तो उस पर भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, उसे वियर ओएस डिवाइसेस बोलते हैं। ये 5 टाइप के नोटिफिकेशंस थे। पहला हमारा था स्टेटस बार या नोटिफिकेशन ड्रॉअर में, सेकंड हेड अप नोटिफिकेशन था, थर्ड लॉक स्क्रीन पे था, और फोर्थ ऐप आइकन बेसिस पे था, और फिफ्थ वियर ओएस डिवाइस पे नोटिफिकेशन था। अब इसको नोटिफिकेशन को बनाने का जो तरीका है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।